मेंटेन कर रहे होते हैं, तो इस सूरत में हमारा जो आंसर बनता है वो है ए, द लेटेस्ट चेक बुक काउंटर फॉल्यू। इसको काउंटर फॉइल भी बोलते हैं, फॉल्यू भी बोलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बैंक बिफोर द बिजनेस कैश बुक। कहता है कौन सी ट्रांजेक्शन बैंक में पहले रिकॉर्ड होगी एज कम्पेयर टू कैश बुक। अ चेक, अ कैश चेक। देखें जो चेक कैश करवाया है, पहले चेक लिखा भी तो है ना, जब लिखा है तो कैश बुक में पहले रिकॉर्ड हुआ होगा, लेकिन वो तो पूछ रहा है बैंक में जो पहले रिकॉर्ड हुआ हो, ये तो नहीं है। पेमेंट ऑफ अ क्रेडिट कार्ड बिल। देखें पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड बिल तो बाद में आती है कि जब आपके पास स्टेटमेंट आती है क्रेडिट कार्ड की, तो पहले तो वो कैश बुक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई हुई होती हैं, ये भी नहीं है। बैंक चार्जेस, ज़ाहिर है बैंक चार्जेस पहले बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करेंगे, बाद में कैश बुक में, तो सी इज़ द राइट आंसर। कैश सेल्स में पहले कैश बुक में एंट्री होगी, फिर जाके अगर बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो वो बाद में बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। अगला सवाल देखें, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वुड नॉट अपीयर इन द बैंक स्टेटमेंट। कहता है कौन सी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर अपीयर नहीं होती। क्रेडिट कार्ड परचेज। देखें जो क्रेडिट कार्ड की ज़रिए आप चीज़ें ख़रीदते हैं तो वो क्रेडिट कार्ड की सेपरेट स्टेटमेंट आती है। समटाइम तो आपका बैंक अकाउंट होता भी नहीं है तो आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाता है, तो उस सूरत में बैंक स्टेटमेंट तो बनती भी नहीं है, बैंक अकाउंट जो नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड की सेपरेट स्टेटमेंट आ रही होती है तो वो बैंक स्टेटमेंट पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होती, ठीक है ना। तो आंसर तो यही है, लेकिन बाकी भी चेक कर लेते हैं। डेबिट कार्ड परचेज, ये तो बैंक स्टेटमेंट में आते हैं, वो पूछ रहे नहीं आते वो बताएं। अभी ACS बैंक ऑटोमेटिक क्लियरिंग सिस्टम, ये भी आता है। EFT POS ट्रांसफ़र, ये भी आता है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एट द पॉइंट ऑफ सेल,